गुड इवनिंग एवरीवन। ये आज जो प्रेस मीट रखी गई है, दो केसेस मीर चौक पुलिस स्टेशन में ही जो हुए हैं उसके बारे में सबको बताने के लिए रखा गई है। एक इसमें किडनैपिंग केस है और एक बाइक थेफ्ट केस में जो गैंग इन्वॉल्व है उसके बारे में, जो बाइक रिकवरी है, जो गैंग को पकड़ा गया है उसके बारे में बताने के लिए ये प्रेस मीट रखी गई। पहले केस क्राइम नंबर 163 ऑफ 2023 अंडर सेक्शन न्यू लॉ 137 सबसेक्शन 2 रेड बिट 3 सबसेक्शन 5 ऑफ BNS, जिसमें एक 6 महीने का बच्चा जो हमारी कंप्लेनेंट हबीबुन्निसा है, उनका 6 महीने का बच्चा जो है ये किडनैप हुआ था। इस पूरे सिलसिले में 3 एक्यूज्ड इन्वॉल्व पाए गए, जिसमें A1 नसरीन बेगम, A2 नूरजहां बेगम और A3 मोहम्मद आदिल हैं। इसमें A2 A3 हस्बैंड वाइफ हैं और A1 जो है वो सिस्टर हैं A2 की। ये जो A1 है इसमें नसरीन बेगम वो पाटन चेरेव की रहने वाली है और उनका कोई बच्चा नहीं है, और वो बार बार अपनी बहन और उनके हस्बैंड से कहती थी जो A2 A3 है कि आप जाके किसी दरगाह से एक छोटा बच्चा उठा लाइए मेरे लिए। उसी सिलसिले में A2 और A3 ये नेल्लोर में 12 शहीद दरगाह है, वहाँ अक्सर जाते रहते थे और उसमें ही हमारी जो कंप्लेनेंट है इनका परिचय हुआ, हबीबुन्निसा मुलाकात हुई। और उसको ये बोल के कि हम आपको हैदराबाद ले जाएंगे, आपको एक नर्स का जॉब दिलाएंगे बोल के कन्विंस करके वो हैदराबाद लेके आए। और जब वो हैदराबाद पहुँचे MGBS बस स्टैंड के पास सुलभ कॉम्प्लेक्स में उसको फ्रेश अप होने के लिए भेजे और उसी टाइम पे उस 6 महीने के बच्चे को किडनैप करके ले गए। और जब ये इन्फॉर्मेशन हमारे मीर चौक पुलिस स्टेशन को पता चली तो तुरंत ही, क्योंकि ये बहुत ही छोटा बच्चा और बहुत ही गंभीर घटना थी, तुरंत ही इसमें एक्शन लिया गया। नियर बाई CCTV कैमरा और चेन ऑफ CCTV कैमराज वेरीफाई किए गए और पूरा किधर से किधर तक वो एक्यूज उस बच्चे को लेके गए हैं लोगों से वेरीफाई किया गया, CCTV चेक किए गए और फाइनली वो बच्चा हमें मिल गया। और इसमें उनके मदर फादर ने हमारी पुलिस और टीम को बहुत थैंक यू बोला और एक अच्छा इसमें हमारे पुलिस ने काम किया। इस पूरे सिलसिले में जो अच्छा काम किए हैं उसमें अंडर द गाइडेंस ऑफ एडिशनल DCP साउथ जोन जहांगीर, ACP मीर चौक, इंस्पेक्टर मीर चौक, DI मीर चौक और उनकी इंटायर टीम ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। और ये एक वार्निंग भी है ऐसे किसी भी किडनैपर्स को कि ये बहुत ही एक गंभीर क्राइम है इस तरह से छोटे बच्चों को किडनैप करना। और क्योंकि ये हमारा एरिया एक टूरिज्म स्पॉट भी है तो इस किसी भी तरीके के सिलसिले को अवॉइड करने के लिए सभी से ये गुजारिश है कि अपने नियर बाय CCTV कैमरा जो हमारा नैनो सेतम और कम्युनिटी CCTV कैमरा उसमें लगाते रहें ताकि कोई भी ऐसी घटना जल्द से जल्द डिटेक्ट हो सके। और दूसरा जो केस है क्राइम नंबर 159 ऑफ 2024 अंडर सेक्शन 379 डेट विथ 34 IPC केस है, क्योंकि ये सारी जो बाइक थेफ्ट केस हैं ये न्यू लॉज आने से पहले हुई थी तो IPC केस में रजिस्टर किए गए, जिसमें पुराने केसेस में अभी तक हमें मालूम पड़ा है कि कुल 12 बाइक्स हमने इसमें सीज किए हैं, जिसमें मेन एक्यूज जो A1 है शिवराज, जो कि उप्पुगुड़ा का रहने वाला है, ये पहले भी PD एक्ट में 2012 में एक साल के लिए PD एक्ट में जा चुका है। इस पर 18 एक्साइज एक्ट के केसेस हैं मलकपेट एरिया में। और अब इस बार ये शिवराज जब हमारे वहाँ से एक बाइक चोरी किया और हमने इसको गिरफ्तार किया तो ये मालूम पड़ा कि इसने और भी ऐसे कई चोरियाँ की हैं। और इसमें इस बार ये नए साथियों से मिलकर जिसमें A2 गणेश, A3 शिवा, A4 नसीमा और A5 यपुरी सागर, ये लोग सब अलग अलग लोग हैं और ये लोग जाके यहाँ से लोकल एरिया से बाइक चोरी करके नकरेकल और भूंगीर के गांव में जाके लोगों को बेच देते थे। अभी तक इसमें 12 बाइक्स हमने रिकवर किया और इस गैंग का खुलासा हुआ है। इस पूरे सिलसिले में मैं अप्रिसिएशन दूंगी हमारी टीम का, जिसमें एडिशनल ECP साउथ जोन, ECP मीर चौक, SHO मीर चौक, DI मीर चौक और उनकी इंटायर टीम का, जिन्होंने इस तरह के गिरोह को पकड़ा है और आगे भी जाके अगर कोई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं हम जल्द से जल्द उनको पकड़ेंगे। थैंक यू। मैडम, ये किडनैपिंग केस में वो दरअसल सिर्फ दूसरे लोगों की मदद करना बोल के वो इंटेंशन था या नहीं फिर ये बच्चे को लेके किसी और को दे देना या भेज देना ऐसे कुछ? अभी तक जो हमने ये लोग जो सारे एक्यूज पकड़े गए हैं अभी तक यही निकल के आया है कि उसके पास बच्चा नहीं था अपना, इसलिए उसने काफ़ी टाइम से अपने दीदी और जीजा जी को बोल के कि आप उधर जाते हो दरगाह से किसी बच्चे को उठा, इसी स्टोरी बना के उसको बेला फुसला के इधर तक लेके आया। और उसका क्योंकि उनको मालूम था उसके पास 6 महीने का बच्चा है तो इस तरीके से पूरा इन्होंने कॉन्स्पायरेसी और प्लान करके इन्होंने काम। ये बाइक केस में मैडम ये तो प्रीवियस केसेस भी लोगों के ऊपर कुछ है या नहीं? हाँ, A1 तो PD एक्ट में जा चुका है, उसके ऊपर 18 केसेस हैं। इसमें A3 के ऊपर भी पुराने केसेस हैं। वो आपको डिटेल्स हम आपको ये एक प्रेस नोट एक्स्ट्रा है इसमें आपको दे देंगे।
नहीं, वो बेला भूसा के लाए थे, गांव के लोग हैं, नेल्लोर से लेके आए थे, और गांव के लोग हैं ये सोच के कि हमें कोई जॉब मिलेगी, कुछ काम मिल जाएगा, इधर वो आ गए ये सोच के, ट्रस्ट करके आ गए। दरगाह में कोई जाता है तो जनरली अच्छे लोग ही जाते हैं। यहाँ से किसको आप ही नहीं, नहीं 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 उसके ये जो एक्यूज है उनके अलावा उसको कोई और नहीं जानता। क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज आइसक्रीम नहीं होती? आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है, और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं? या आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं, तो चले आएं यू नीड एंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। 1,000 हो या 1,00,000, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाएं यू नीड एंटरप्राइजेस बिसाइड लाइफलाइन हॉस्पिटल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।